अस्सलाम वालेकुम, PK47 न्यूज़ इमरान कराची। आज मैं ईद के पहले ईद उल अज़ा के मौके पे मैं अपनी वालदा की कब्र पे मौजूद हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये 50-50 हज़ार रुपये की कब्रें बेच रहे हैं और 25-25 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार की कब्र बेच रहे हैं। मेरी वालदा की कब्र है, मैं कहता हूँ जिसको ज़रूरत थी मेरे को बोलता तो मैं उठा के कहता भाई ऐसी ले लो, पैसे नहीं लो। अब आप लोगों ने कारोबार बना लिया, अपने 3-3 मंजिला घर इसमें खड़े कर लिए, पैदागिरियाँ कर रहे हैं आप लोग, और कितने लोग परेशान हैं उधर, उनके साथ भी जो है ना ये बुरा हो रहा है। कोई भी पूछने वाला नहीं है। वहीद जो है मुख्तलिफ लोगों का साथी है, मतलब गवर्नमेंट इदारे उसको सारे जानते हैं, कोई मसला बराबर नहीं हो रहा, सही है। अब ये कब्रिस्तान इन्होंने पूरा भेज दिया। अब मैं बताओ इनके साथ क्या हुआ, बताएं ज़रा आप। हमारी वालदा की कब्र है, वहीद ने मुझसे 4,000 रुपये लिया, खुद कभी अंदर आता नहीं है, वो सारा दिन बाहर बैठा रहता है। उसने कब्र वो बनाई और एक तख्ती उसकी पड़ी हुई है बाहर, वो लगाई नहीं है, बोला मैं लगा दूंगा। पहले वो 6 महीने घूमता रहा, मैं एक दोस्त को लेके आया, उसने आके उसको बोला तो उसने वो तख्ती लगाई, वो भी तख्ती लगाई, दूसरी तख्ती पड़ी हुई उसकी। 4,000 लेने के बाद 6 महीने बाद कब्र के ब्लॉक निकाल के कहीं और लगा दी उसने, और वो कुछ नहीं करता। ये KMC की जिम्मेदारी है, इसको बैठाया हुआ है, इसको पता ही नहीं है। कभी इसको पूछो, कभी कब्रिस्तान के अंदर आया ये, खाली पैसे लेता और अपने काम करता है। मैं आला हुकाम से कहना चाहता हूँ और सिंध हुकूमत से और वफाक हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों पे नकेल डालें, इस तरीके से ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। और पैदागिरी का समय, इनको डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, लॉकडाउन भी गुजर चुका, सब कुछ, कई एक्सीडेंट हुए इसके, मगर इसको होश नहीं आ रहा। बात ये है कि अल्लाह से डरो भाई, क्या ये सारा ये इधर ही रहेगा, यही हालत हमारी हो जाएगी, कब्र में आके लेट जाएंगे, कितना भी कमा लें, नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे। तो भाई मैं आप लोगों से बोलता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने नबी और अल्लाह और अपने नबी का ख्याल करो यार, जो किताब दी उस पर अमल करो। PK47 न्यूज़ इमरान कराची, और मैं मॉडल का कॉलोनी के एरिए में मौजूद हूँ, कब्रिस्तान है। अल्लाह हाफिज़।